नमस्कार, आपको फोन आइया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे यूपी कैट बीएससी मैथ्स में यहाँ पर पार्ट एट में मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि यूपी कैट मॉडल पेपर के तौर पर देखते हैं। तो इससे पहले आपने अगर सेवन पार्ट्स नहीं देखे तो उसको जाकर जरूर देखें ताकि आपके यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी ना छूटे। यहाँ पर शुरू करेंगे और देखेंगे वन बाई वन सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन रहा है आपके सामने, हाउ मेनी टर्म ऑफ दिस सीरीज आर देयर इन द एपी 7, 13 एंड 19 टू 05। यहाँ पर आपका अर्थमेटिक का है, ध्यान रखिएगा। समांतर श्रेणी है 7, 13, 19 और 2। यहाँ पे डाटर करके 205 में एक श्रेणी कितने पद हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म आपको बताना है। अगर फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे दे रखा है। अब देखिए आपको यहाँ पे डी जो आपको फाइंड आउट करना है, ए की अगर वैल्यू की बात करेंगे तो ए की जो वैल्यू है वो क्या हो गया 7। आप अगर डी की वैल्यू करो तो जो सेकेंड टर्म होता है और फर्स्ट टर्म यानी जो सेकेंड पद यानी दूसरा पद होता है और पहला पद, उनको क्या करते हैं लेस कर देते हैं, तो आपके पास क्या है अच्छा यानी डी का मान आपके लिए क्या अच्छा हो गया। अब देखिए 205 को आप ए एन या तो लिखो या तो एल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। या ए एन लिखो, कितना हो गया 205। बस आपको क्या करना है ए एन, यहाँ पर ए एन बराबर आपको निकालना है। तो ए एन बराबर जो आपको फार्मूला बन जाएगा ए प्लस एन माइनस वन और डी। ए एन आपका कितना दे रखा है 205, ए कितना है 7, एन आपको पता नहीं है, डी आपका कितना है 6। कितनी चीज़ें कीजिए, अब देखिए 205 है, 7 को इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा 198 और एन माइनस सिक्स, सॉरी एन माइनस वन रहेगा और उसके बाद तो आपका मल्टीपल में 6 है। इस 6 से अगर काटो 6 3 18 और 6 3 18 यानी भाई आपका आ गया n माइनस वन बराबर 33। तो आपका क्या हो जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला एक किधर चला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 34। यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है कितने हैं 34, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, एन ए पी हैज 17 टर्म इज 7 मोर देन हिज 10th टर्म, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। कह रहा है कि ए पी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जितना अधिक है पहले उस चीज़ को यहाँ पे डिफरेंस वन हम ले लेते हैं और कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आपका जो 17वां पद है और जो यहाँ पे 10वां पद है उनके बीच का जो डिफरेंस है कितना है 7 है, यहाँ पे 17 है यानी 17 है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, जो डिफरेंस आपका दे रखा है ए प्लस 16D, आपका एन माइनस वन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, उस चीज़ लेकर चलना है और a प्लस 9D, ब्रैकेट क्लोज है और 7D। अब ब्रैकेट जैसे ही तोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा a 16D एंड 9, सॉरी ये a है 9 नहीं a है और ये आपका हो गया 9D। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ए भी आपका माइनस, इधर आपका 7। इधर देखिए माइनस का ये और प्लस का ये दोनों कट गए और 16D और माइनस का 19D, ये दोनों आपस से लेस हैं, 9 7 16 होता है तो यहाँ पे 7D हो जाएगा। 7D इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/7 यानी आपका डिवाइड हुआ बचा क्या 1, यानी जो D का मान है वो कितना भाई, यहाँ पे सर्वांतर जो आपका दे रखा है कॉमन डिफरेंस जो दे रखा कितना है 1। तो यहाँ पे भी अगर आप दिमाग लगा दें तो जैसे कि 17वां पद और उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब देखिए यहाँ पे 10वां पद से और 17वें पद के बीच में 7 का डिफरेंस यानी एक एक की गैपिंग, यानी यहाँ पे 10 के बाद 11 12 13 14 एक एक की गैपिंग चल रही, उससे भी आप अनुमान लगा सकते थे। यहाँ पे इस प्रकार से आप निकालना। नेक्स्ट वन है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेमी आर ज्वाइंट टुगेदर टू फ्रॉम अ सॉलिड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिक ऑब्टेंड फ्रॉम इट। करा कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है, इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाप का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाप की बात की जा रही है, घनाप का जो आयतन है दे रखा है, घन आपका जो आयतन है यानी क्यूब का जो आपका वॉल्यूम है वो आपका क्या दे रखा है 64। तो ए की अगर बात करें, ए क्यूब बराबर आपका क्या हो दिए रखा है 64 दे रखा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ए बराबर क्या आ गया 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर एल की बात करेंगे तो 2 यहाँ पे देखिए 2 क्यूब हैं यहाँ पे, तो 1 का 4 1 का 4 दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे अगर बात करोगे दूसरा क्या वृत्त की बात करें
यानी चौड़ाई जो है उसकी बात करेंगे तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। और यहाँ पे यल जो आपका, यहाँ पे यल तो हो गया आठ हो गया, यच की अगर बात करोगे यच आपका वो भी क्या होगा, चार सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी को क्या करना है आपको फार्मूले पे रख देना। क्या पूछा आपका, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है, सरफेस एरिया पूछा है आपसे, तो उसी को हमें निकालना। क्या करना है कुछ नहीं, तो घनाभ के सरफेस एरिया की अगर आप बात करेंगे, सरफेस एरिया, तो उसके लिए जो फार्मूला आपका बनेगा क्या बनेगा, टू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसी पे आपको लगाना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे टू हुआ, एल आपका कितना दे रखा है, एट दे रखा है, बी कितना दे रखा है, चार दे रखा है, प्लस बी आपका कितना दे रखा है, चार दे रखा है, एच कितना दे रखा है, चार, उसके बाद एल आठ, एच आपका कितना दे रखा है, चार दे रखा है। ओके, दो हुआ, आठ चौक बत्तीस, उसके बाद चार चौक सोलह, आठ चौक बत्तीस, बत्तीस चौंसठ और सोलह आपका यहाँ पे कितना हो गया, अस्सी हो गया, और अस्सी एक सौ साठ, 160 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। आंसर इसका क्या होना है, 160 सेमी स्क्वायर, यानी आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द एंगल सब्सटेंड फॉर द बाय द आर्क ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज, टू द एंगल सब्सटेंड ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस, कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर वृत्तचाप द्वारा बना कोण उसकी परिधि पर बने कोण के, यहाँ पे डॉट डॉट दिया उसमें आपको फिल करना है, जैसे कि इच या टू के बाद आपको डॉट डॉट रहेगा वही भी आपको फिल करना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे वृत्त के केंद्र पर जो वृत्तचाप बना कोण होता है उसकी परिधि पर बने कोण के कैसा होता है भाई, तो उससे दुगुना होता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर जो वृत्त के केंद्र पर वृत्तचाप द्वारा बना कोण जो है उसकी परिधि पर बनी कोण से कितना होता है, दुगुना होता है, यानी ट्वाइस। नेक्स्ट, इफ द स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ द पॉपुलेशन इज 9.5, सो व्हाट विल बी द इट्स वेरियंस, वेरियंस आपसे पूछा, यानी प्रसरण आपसे पूछा जा रहा है। प्रसरण के लिए आपको सीधा सा सिंपल सा आपको करना क्या है भाई, वेरियंस जो होता है उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका मानक विचलन दे रखा है यानी स्टैंडर्ड डिविजन दे रखा है उसका क्या करना, स्क्वायर कर देना है। 9.5 है, इसका आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। आप जैसे इसको स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 90.25 आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 90.25 आएगा। और यहाँ पे ऑप्शंस आपके अपडेट नहीं है तो ऑप्शंस आपको यहाँ पे हो जाएगा इसका 90.25, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, ऑप्शंस नहीं है। आर रेशनल नंबर, आर नंबर सभी परिमेय संख्याएं जो होती है, संख्याएं डाटा यहाँ पर दिया उसी में आपको फिल करना है कि भाई यहाँ पे क्या होगा जो बीच में आपका फिल किया जाएगा। तो यहाँ पे जो आप परिमेय, जो यहाँ पे सभी परिमेय संख्या होती कैसी होती, वास्तविक होती, एक्चुअल होती हैं, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या में भिन्न शामिल नहीं, देखिए आपका एक वास्तविक संख्या एक अद्वितीय संख्या, ये भी सही है। वास्तविक संख्याओं को जोड़ा घटाया गुणाया विभाजित किया जाता है, एकदम सही है। वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं है अवश्य ही अपरिमेय में होंगे, ये भी सही है आपका। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सही, ए बी सही और ए बी सही। देखिए परिमेय संख्या में भिन्न शामिल नहीं होते हैं, जो आपके क्या है गलत दे रखा है, यानी आंसर आपका क्या है, डी। आंसर आपका भाई डी यहाँ पे है। ठीक है, रेशनल नंबर डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन, जबकि यहाँ पे क्या होता है वो शामिल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अ रियल नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक वास्तविक संख्या के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पे सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, एकदम सही है। एक वास्तविक संख्या के लिए संख्या रेखा पर एक अनिवार्य बिंदु होना आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पे आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आपका नहीं होना चाहिए था, मतलब ये क्या है यहाँ पे संदर्भ सही नहीं है, यानी आपका बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। रियल नंबर नीड टू दी हैव ए मैंडेटरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो यहाँ पे नाट यहाँ पे अगर नहीं रहता तो हमारा ये भी क्या हो जाता, सही हो जाता, लेकिन आपका नाट लगा है, इस वजह से क्या है गलत। बाकी सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती हैं और एक वास्तविक संख्या अद्वितीय संख्या, ये भी आपका सही है। ए बाई थ्री इक्वल टू बी बाई फोर इक्वल टू सी बाई सेवन, देन वो देन दी वैल्यू ऑफ द ए प्लस बी प्लस सी बाई सी, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका दे रखा है ए बाई थ्री इक्वल टू बी बाई फोर इक्वल टू सी बाई फोर, इसके इक्वल टू में जो है हम एक नियतांक मान लेते हैं के, अब आपका क्या हो जाएगा ए इक्वल टू, देखिए ए बाई थ्री इक्वल टू क्या के लिख सकते हैं इस प्रकार से, तो आपका क्या हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा
थ्री के, इसी प्रकार से सबके लिए हमारा बन जाएगा। तो भाई बी बराबर क्या हो जाएगा, फोर के हो जाएगा। सी बराबर क्या हो जाएगा, सेवन के हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, ये जो आपको निकालना है ए प्लस बी उसी पे रखेंगे। तो ए की जगह पे हमारा क्या आ रहा है, थ्री के, बी की जगह पे फोर के, उसके बाद सेवन के, फिर से नीचे आपको सेवन के लिख देना, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी आई बान में सी है। चार तीन सात सात चौदह, फोर्टीन के, और यहाँ पे सेवन के, सात दुनी चौदह हो गया, यानी आपका दो, और के से के कट गया, बचा क्या, दो बचा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इफ़ ए बाई बी इक्वल टू वन बाई थ्री, द वैल्यू ऑफ दी थ्री ए प्लस टू बी बाई थ्री ए माइनस टू बी। कह रहा है कि यदि ए बाई बी बराबर एक बटा तीन है, तो तीन ए प्लस टू बी बाई थ्री ए माइनस टू बी का मान होगा। अगर भाई यहाँ पे ऊपर नीचे जो है क्या किया जाए, b से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। अगर b से हम डिवाइड करें, जो ये दे रखा है इसको लेकर चलो, पहले दे रखा है 3a प्लस का 2b और 3a माइनस का 2b। भाई क्या कर रहे हैं ना, ऊपर नीचे जो है b से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर नीचे जब b से डिवाइड करेंगे तो 3a बाई b हो जाएगा, प्लस टू और बी, और बी देखिए एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो फिर यहाँ से आपका थ्री ए बाई बी हो जाएगा, और पुनः जो आपका क्या होगा, बी बाई बी, जैसे ही अगेन लिखेंगे तो ये भी आपका कट जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। हमने क्या किया भाई, यहाँ पे जो है ऊपर नीचे बी से डिवाइड किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमने डिवाइड किया है किससे, ऊपर नीचे, इसको लिख लीजिएगा ऊपर और नीचे, यानी आंसर और हर को हमें बी से डिवाइड करने पर, ऊपर और नीचे बी से भाग देने पर, भाग देने पर या डिवाइड करने पर, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आप जैसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका थ्री ए बाई बी हो गया और ए बाई बी हो गया। अब इसी की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें दे रखा है, तो यहाँ पे थ्री ए बाई बी की जो वैल्यू हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, वन बाई थ्री दे रखा है, वन बाई थ्री दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा वन बाई थ्री प्लस में टू, और यहाँ पर भी आपका ए प्लस बी हो गया तो वन बाई थ्री हो गया, तीन से तीन कटा, तीन से तीन कटा, और यहाँ पे माइनस का दो, तो आपका इधर कितना बचा, वन प्लस टू, नीचे वन माइनस टू, आपका ऊपर तीन हुआ, नीचे आपका माइनस का एक हुआ, यानी आंसर क्या होगा, माइनस का तीन होगा। आंसर ऑप्शन में माइनस का तीन, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स वाई, देन वाट विल बी दी रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स वाई हो, तो एक्स तथा वाई का अनुपात क्या होगा। देखिए इसको आप क्या करो ना, एक्स वाई से भाग दे देंगे इसको, ये जो हमारा दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स वाई, अगर हम इसको एक्स वाई से भाग दे देंगे तो हमारा क्या होगा, ए आपका कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पूरे को जो है एक्स वाई इसको, एक्स वाई से इसको, और एक्स वाई से इसको हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, यानी दोनों पक्षों को हमने क्या कर दिया, यानी बोथ साइड डिवाइडेड बाई एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे एक्स और एक्स एक कट गया, बचा क्या भाई, एक एक्स नीचे वाई, ओके। अब देखिए यहाँ पे वाई से वाई एक कट गया, तो बचा क्या आपके पास, फोर वाई बाई एक्स, इधर आपका क्या बचा, केवल फोर बचा, दोनों आपके एक्स वाई और एक्स वाई ऊपर नीचे अपने आप में कट गए, ठीक है, इतना क्लियर। अब यहाँ पे आपका क्या है कि जो आपका एक्स तथा वाई का अनुपात आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे अगर मान लें वाई एक्स बाई वाई बराबर के मान लेते हैं, एक नियतांक के तौर पर हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको मानेंगे तो आपका क्या, यहाँ पे रख सकते हैं के प्लस, अब देखिए वाई बाई के है, अगर वाई बाई के लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा लिख देंगे, यानी के को आप नीचे लिख सकते हैं, फोर बाई के इक्वल टू आपका क्या है, फोर आपका दे रखा है। अब इसको जैसे ही आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस का, देखिए ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, ए फोर, और इधर आपका फोर के हो जाएगा। अब इसको एक साइड लेकर आओ के स्क्वायर, और इस फोर के को उठा के दूसरी साइड कर दो, तो ये आपका माइनस का फोर के हो जाएगा,
प्लस का फोर क्यू इक्वल टू जीरो आपका द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब यहाँ पे आपको जोड़ कर लाना है ये वाली चीज़, तो आप क्या करेंगे के स्क्वायर और यहाँ पे लगा दो माइनस का साइन, क्योंकि माइनस उसने दे रखा है। अब इसको जोड़ के लेकर आना है तो टू प्लस टू और यहाँ पे लिखा के और ये आपका हो गया फोर, तो के स्क्वायर माइनस का टू के प्लस का फोर। तो यहाँ पे k हमने कामन लिया तो k माइनस टू हुआ, माइनस का टू कामन लिया तो k माइनस टू हुआ, बचा क्या हमारे पास k माइनस का टू और k माइनस का टू दो अलग अलग ब्रैकेट में, तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया k बराबर दो आ गया, k बराबर हमारे पास दो आ गया। अब देखिए यहाँ पे k बराबर हमारे पास दो आ गया, तब अब क्या करना हमें इस वैल्यू को यहाँ पर हमें पुट कर देना है, इस वैल्यू को हमें यहाँ पर क्या करना है एक्स वाई बाई, तो यहाँ पर हमारा k की वैल्यू क्या है दो है, नीचे एक लिख सकते हैं, तो हमारे पास यही रेशियो भी जस्ट बन जाएगा, यक्स और वाई का जो रेशियो बनेगा टू और वन का यहाँ पे रेशियो बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन है इसको देखते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दो और एक का रेशियो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, तो उसको देख लीजिएगा। इफ ए प्लस बी इक्वल टू 13 एंड दी 4 ए बी इक्वल टू 144 देन दी वैल्यू ऑफ दी ए माइनस बी विल बी, कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर 13 तथा 4ab बराबर 144 हो तो a माइनस बी का मान क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको भी आप कैसे करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, a माइनस बी के फार्मूले से ही आपको क्या करना है इसको करना है। तो यहाँ पे a माइनस बी का फार्मूला हम लगाएंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, ठीक है, इसको इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, देखिए अगर आप इसको जब तोड़ोगे एक बार तोड़ के दिखा, देखिए इसको जब तोड़ोगे आपका क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab और माइनस का 4ab, जब इसको लेस करेंगे तो आपके पास क्या है बचेगा यहाँ पे माइनस का 2ab और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपका वही जस्ट सेम आएगा, इसीलिए हम इस प्रकार से इसको लिखे ताकि आपका फार्मूला जो उस पर फिट हो जाए पूरा। अब ए प्लस बी की वैल्यू उसने दे रखी 13, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 13 का वैल्यू रखेंगे और देखिए 4ab बराबर 144 उसने दे रखा है सीधा सीधा, तो क्या हुआ 169 और 144, तो इसको जो हमने लेस किया तो क्या आ गया 25 है, 25 किसके बराबर आया a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा ए रूट में आपका 25, यानी क्या होगा 5 हो जाएगा ob प्लस माइनस का, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे क्या भाई सही है। नेक्स्ट देखिए इफ x प्लस वाई 70 एंड दी x माइनस वाई 10 देन व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ दी 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, देखिए इसको कैसे करना है आपको, दोनों समीकरण को क्या करो भाई पहले एक बार जोड़ दो, जो दोनों इक्वेशंस आपकी दे रखी हैं उनको क्या करो आपको जोड़ देना है, तो अगर इनको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2x, अब यहाँ पे आपका जोड़ रहे हैं प्लस का वाई माइनस का वाई, ये दोनों क्या होंगे कट जाएंगे और इधर आपका क्या हो जाएगा 80, एक्स बराबर का कितना आ गया 40 है। अब इस 40 का मान उठा के आप चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकेंड में, तो हम फर्स्ट में रखते हैं, यानी एक्स का मान एक्स की जो वैल्यू हम कहाँ पे उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो एक्स का जो मान हम समीकरण एक में अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 40 प्लस वाई इक्वल टू 70, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा वाई बराबर आपका 70 माइनस का 40 और इक्वल टू आपका 30, यानी आपका क्या होगा वाई बराबर आपका 30 आ गया। तो अब देखिए 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई की वैल्यू आपको बताना है, तो 1 बाई एक्स का आपका जो यहाँ पे है एक्स का मान कितना है 40, वाई का मान कितना भाई 30 है, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा क्या आएगा 120। अब देखिए 120 आ गया इन दोनों का डिफरेंस, यानी इन दोनों का जो एलसीएम आएगा 120 आएगा, 120 आएगा, चरतियाँ 12 और 3 चौका 12, यानी 7/120 इसका राइट आंसर, कौन सा ऑप्शन है 7/120, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए विल बी दी वैल्यू ऑफ दी रूट में आपका 5 + 2√6 दे रखा है माइनस का 1/a और रूट में आपका 5 + 2√6 दे रखा है, तो इसको आप कैसे करेंगे, तो पहले डायरेक्टली आप क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल इसको करके आप कर सकते हैं, ठीक है, वैसे ही किया जाएगा इसको। देखिए तो आपका यहाँ पे इसका डायरेक्टली जो है इसका मल्टीपल इसमें कर देना है,
इसका जब मल्टीपल इसमें करेंगे तो आपका क्या होगा, पहले तो रूट आपका सीधा सीधा कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, 5 + 2√6। बड़ा वाला जो रूट है ऊपर वाला क्या होगा, वो भाई कट जाएगा, और आपका माइनस का 1 यहाँ पे लिखा जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका तो जो है वही हो जाएगा 5 + 2√6। अब इसके आगे आपको करना क्या है, तो इसके आगे आप क्या करोगे, यहाँ पे इसी का जो है ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो आपका हो जाएगा, आराम से इसको कर सकते हो, या तो इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा, यहाँ पे 5 + का और माइनस का 1, इसी को और छोटा कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 यहाँ पे हुआ, उसके बाद प्लस का 2√6 है। नीचे आपका जैसा दिया है उसको उससे ही लेकर चल रहे हैं। अब भाई क्या कहें कि दोनों पक्षों का या तो वर्ग भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों पक्षों का क्या करें, वर्ग कर सकते हैं। मतलब ये अगर हमारा क्या है कि यक्स बराबर अगर दे रखा है, ठीक है, अगर हम इसको यक्स बराबर लेकर चल रहे हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने का तात्पर्य है कि यहाँ पे यक्स स्क्वायर इधर एक पक्ष हो गया, उसका दूसरी जो साइड है ये वाला पोर्ट की बात कर रहा है, इस वाले पोर्शन की, इसका स्क्वायर अलग बना दो और नीचे वाले का भाई अपना जो है अलग बना दो, इसका पूरे का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपका बन गया यक्स स्क्वायर, ऊपर वाला जो हो क्या हो जाएगा 4√16, और ए वाला आपका देखिए बनेगा तो स्क्वायर, एक तो पहले 4 आपका बनेगा यहाँ पे, 2 = 4 हो जाएगा, और आपका पीछे से रूट हट जाएगा, तो 4 × 6 क्या होगा 24 हो जाएगा। ओके, अब आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 4 × 8 × 16, और जो रूट है वो क्या होगा, रूट में ही रहेगा। नीचे आपका देखिए जो बड़ा वाला रूट है वो क्या होगा, हट जाएगा, तो नीचे आपका फाइनली क्या बचेगा, 5 + 2√6, इतना आपका क्या हो जाएगा, नीचे बच जाएगा। अब इसको आप जब जोड़ोगे 16 और 24, यहाँ पे 16 और 24 आप जब जोड़ोगे तो इसको आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसको आप जब जोड़ोगे पुनः, तो फिर से आप कहाँ पहुँचोगे, इस पर पहुँचोगे, ये जो आपने इस चीज़ को तोड़ा था वहीं पे आप क्या करेंगे, फिर से पहुँच आएंगे, तो आपका फिर से वही फार्मूला आपका बन के आएगा। उसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए 16 और 24 आप जब जोड़ेंगे तो 40 होगा, प्लस का 16√6 और का 5 + 2√6। इसमें से आप कामन अगर लो तो आप 8 से काट सकते हैं इसको, यानी 8 इसमें से कामन हो सकता है, तो हमने अगर 8 बाहर लिया तो क्या होगा, 8 × 5 = 40 और 8 × 2 = 16। देखिए यही चीज़ आई जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ से तोड़ा था, वही चीज़ हमारे पास क्या आ गई, फिर से आ गई। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद नीचे क्या बचेगा आपका, 5 तो बचा ही है, 5 + 2√6। अब ये दोनों क्या होंगे भाई, आपस में जो है क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। यक्स स्क्वायर पर आपके पास बचा क्या है, 8 बचा है, 8 को आप क्या लिख सकते हो, अगर यक्स बराबर बात करेंगे तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, रूट में जो है 4 × 8 लिख सकते हो, 2 बाहर आया, 1 रूट में 2 है, यानी 2√2 हो जाएगा इसका आंसर, 2√2 होगा आंसर, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा आप आराम से, ठीक है, इसको आराम से आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट, ए रूट बी इक्वल टू 4a, देन ए स्क्वायर बाई बी इज इक्वल टू, इसको आपको क्या करना है, इसको डायरेक्टली आपको स्क्वायर कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जो आपको दोनों साइड दिख रहे हैं, यानी रूट बी और 4a, इनका जो है क्या करना है, बोथ साइड जो है स्क्वायर कर देना है। तो आपका जो यहाँ पे रूट बी इक्वल टू 4a दे रहा है, जब दोनों साइड का यानी बोथ साइड आप जब स्क्वायर करते हैं, क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, इधर आपका 16 हो जाएगा, ये आपका a स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप b के बराबर रख दें, जितना आपका पूछा गया है ए स्क्वायर बाई बी, इसमें अगर b की वैल्यू आप फुट करो तो आपका क्या है, 16 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, 1/16 बच गया, यानी आपका c ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, इफ द रेशियो ऑफ द बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज द एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 0 इज पी रेशियो क्यू, देन वाट द वैल्यू ऑफ द रूट पी बाई क्यू प्लस रूट क्यू बाई पी प्लस एन बाई यल, यल है आपका एक्सपेंस एक्सप्रेशन, कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू यू के दोनों मानों का, दोनों मूलों का अनुपात, ठीक है, मूलों का अनुपात पी क्यू है, तो व्यंजक रूट में पी बाई क्यू और प्लस क्यू बाई पी और प्लस एन बाई यल का मान क्या होगा, तो इनकी वैल्यूज़ की आपकी बात की जा रही, इनकी वैल्यूज़ जो आएगी अगर डायरेक्टली बात करें तो 0 तो आएगा, लेकिन उसको चेक करते हैं भाई आएगा कैसे, उस चीज़ को हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिए गए समीकरण, इनके मूल को अगर हम माने तो हम अगर अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, ठीक है, इनके जो मूल दिए क्या है, अल्फ़ा और हम बीटा को मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेशियो आपका दे रखा है, तो हम अगर अल्फ़ा और बीटा मान रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा, फी और क्यू हो जाएंगे,
पी और क्यू भी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए हमें जो व्यंजक के यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है उससे हम सीधे लेकर चलेंगे अपने आंसर की तरफ। तो अब यहाँ पे आपका दे रखा है पी अपॉन क्यू, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, इक्वल टू नहीं प्लस, उसका नेक्स्ट में है क्यू अपॉन पी प्लस का एन अपॉन का एल। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि जहाँ पर भी पी है वहाँ पे क्या रख दिया आपने, अल्फ़ा रख दिया, ठीक है अल्फ़ा पुट किया, और जहाँ पे क्यू है वहाँ पे क्या कर दिया बीटा को पुट किया। अब फिर से आपका क्यू जहाँ पे वहाँ पे हमने बीटा को पुट किया, नीचे जो है आपका अल्फ़ा पुट हो जाएगा, बाकी जो आपका जैसे है उसको हम वैसे ही रहने देंगे सेम। नेक्स्ट आप इक्वेशन में देखिए तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से मल्टीपल कर सकते हैं, डायरेक्टली मल्टीपल करेंगे तो ऊपर जब मल्टीपल होगा तो ऊपर आपका क्या होगा रूट कट जाएगा, तो आपका क्या बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे आपका क्या हो जाएगा रूट में अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, प्लस आपका एन बाई एल हो जाएगा, रूट में ही वो रहेगा आपका। अब देखिए आपका एक फार्मूला यहाँ पे होता है जिसको जो हम अगर इसको डायरेक्टली लिखेंगे तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा एन माइनस माइनस का एन है और अपान में एल और रूट में यहाँ पे एन माइनस एल हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको फिर से लिखने की कोशिश करूँगा ताकि एकदम चीज़ें खिलिए। अच्छा यहाँ पे एन बाई में एल, एल है वन नहीं एल रहेगा, ठीक है एन बाई एल हो जाएगा, ओके प्लस में रूट का एन बाई एल, एफ का फार्मूला है। हमने किसके बराबर लिखा है ये चीज़ को, हमने इसके बराबर लिखा है इतने को, ठीक है इतने को हमने किसके इसके बराबर लिख दिया है। अब यहाँ पे इसके अगर आगे आप पढ़ोगे तो इसको जब आप काटोगे तो आपके पास क्या आएगा एन प्लस एल प्लस का एन प्लस एल, ये आपका निगेटिव का रहेगा और ये आपका जो है प्लस का रहेगा, तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था इस प्रकार क्वेश्चन का वो हल नहीं करना है, इस प्रकार क्वेश्चन का अगर कोशिश करें तो रट लें तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि वहाँ पर इतना समय नहीं होता कि आप इतने बेहतर तरीके से लगा पाओ। ठीक है क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो रहे तो उनको थोड़ा सा कोशिश किया करिए कि याद करने की आंसर क्या है डायरेक्टली, क्योंकि आपके एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं और मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस जो भी एग्जाम होते हैं उनमें आपका सही आंसर से मतलब होता है। ठीक है नेक्स्ट है इफ़ रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू 17 एंड द रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ द रूट ए बी, तो आपका दे रखा है भाई रूट में ए प्लस रूट का बी इक्वल टू आपका 17 है, ठीक है दूसरा आपका रूट का ए और रूट का बी 1 दे रखा है। दूसरी चीज़ आप देखिए इसको आप अगर हल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इस चीज़ को अगर आप जोड़ दो इक्वेशन को अगर सही मायने में कहें तो हम क्या करेंगे इसको जोड़ दें, इसको अगर आप जोड़ दो तो क्या होगा देखिए नीचे हम लिखते हैं उसी चीज़ को माइनस का रूट बी इक्वल टू 1, अगर ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है आपका सेकेंड इक्वेशन हम दोनों को जोड़ दें अगर तो क्या होगा ये तो आपका माइनस और प्लस का दोनों कट जाएंगे, ये आपका 2 रूट का ए इक्वल टू आपका 18 हो गया, इस 2 से काटा हमने तो क्या हो गया ये 9 आपका हो गया, रूट ए बराबर आपका 9 हो गया, रूट ए बराबर 9 हो गया। अब देखिए आपका यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, यहाँ पे हमें एक चीज़ ऊपर दिख रही है कि भाई रूट ए प्लस का रूट बी इक्वल टू 17, अब इसमें देखिए रूट ए की वैल्यू हमें पता चली 9 है, रूट बी नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं 17 है, तो रूट बी बराबर क्या हो जाएगा 17 में से 9 लेस करो तो क्या बचेगा 8, यानी रूट बी की वैल्यू जो है क्या है 8 है। तो अब हमें जो फाइंड आउट करना है कि भाई रूट में ए और बी, तो यहाँ पे हम मल्टीपल जैसे ही करेंगे 9 इंटू 8 तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दे रखा है माइनस का 1/343 उसके पावर में आपका -2/3 दे रखा है, इसको अगर आप सीधे करोगे जो आपका ये दे रखा है 343 और पावर में 2, देखिए अगर आप इसको सीधा करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको सीधा करने का मतलब है कि इसको सही मायने में लिखोगे ये है क्या, तो ये जो ऊपर वाला उसके हिसाब से चलना है तो आप इसको लिखेंगे, इसको जब आप लिखोगे देखिए पहले हम इसको लिखते हैं नीचे वाले के हिसाब से सही, इसको हमने सही किया ऊपर अभी आपका क्या है निगेटिव है, अब इस साइन को उठा के हम इसके सामने लेके कर देते हैं तो 343 निगेटिव साइन यहाँ पे चला है, अब ऊपर आपका क्या हो गया 2/3 हो गया।
अभी 3/4 जो है किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है, इसके आगे निगेटिव साइन लगा हुआ है 3 का क्यूब। इधर ऊपर आपका कौन है, 2/3 है, ये आपका इधर से इधर कट गया, यानी 3 का क्यूब 3 से कट गया। अब यहाँ पे आपका 7 का स्क्वायर केवल बचा हुआ है, तो इसको जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 49 आएगा, यानी 49 आंसर सही, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन है इज इक्वल टू, आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको डायरेक्टली भी आप काट सकते हैं, जो आपको दे रखा है उसी से आप डायरेक्टली काट सकते हैं। देखिए इसमें जो भी आपका दे रखा है एक ही पावर में, तो जितने भी निगेटिव वाले हैं उनको एक साथ जोड़ दो, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 2, 14, यानी माइनस का 14, यानी माइनस का यहाँ पे 14, 6, 5, 11 और 7, 18, यानी आपका प्लस का 18 हो गया। गुणा में जो होती है यानी मल्टीपल में आपकी ऐड होती हैं, जो पावर्स होती क्या होती है, ऐड होती हैं, यानी गुणा में घाते जुड़ती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 18 से 14 लेस करूँगी क्या होगा, 4 बचेगा, 1^4, a^4 यही आपका राइट आंसर, यानी ए। नेक्स्ट वन और लास्ट वन, इफ 2m के होल की पावर m इक्वल टू 5.2 देन m इज इक्वल टू, कह रहा है कि यदि देखिए यहाँ पे आप m की वैल्यू को रख के आप निकाल सकते हैं आराम से। जैसे हम यहाँ पे पहला रखते हैं 2m बराबर हम 2 रखते हैं, 2 2, देखिए 2 2 नहीं 4, 4 का स्क्वायर आप करोगे तो कितना होगा, 16, आंसर नहीं हो सकता, मतलब ये हमारा नहीं हो सकता। अब दूसरे पे आप आओ तो यहाँ पे 3 हम रख रहे हैं m बराबर, और 3 3 8 हुआ, 8 के क्यूब करना है आपको, 8 का क्यूब होता कितना भाई, 512, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप या तो दूसरे तरीके से लगाओ, ऐसे आप उसको जो है या तो लिखो 2m स्क्वायर और 2^9, इस प्रकार से बनाओगे तो आप यहाँ पे घातों की तुलना करोगे, पहले आप क्या करोगे घातों की तुलना करोगे, तो फिर आपका m बराबर आपका आएगा रूट में, देखिए m स्क्वायर बचेगा, m स्क्वायर और इधर आपका रूट का 9 बचेगा, तो यहाँ पे जैसे m स्क्वायर बराबर केवल 9 पहले बचेगा, तो जब m यहाँ पे m बराबर निकालोगे तो आपका रूट में 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, m बराबर फिर भी आपका 3 ही आएगा। तो आप डायरेक्टली भी एक एक की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, या तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यानी कंपैरिजन कर करके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन थे, इससे पहले वाले में 25 हमने इसलिए दिया था क्योंकि उससे जो प्रीवियस वीडियो था यानी 6 जो पार्ट था उसमें हमने कम कराए थे क्वेश्चन, इसलिए हमने जो है एक्स्ट्रा कराए थे यहाँ पे 7th पार्ट में, ताकि जो है आपके क्वेश्चन कवर हो जाएँ। यहाँ पे 8th वाले में जो है हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपको यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट देने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता है कि मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें पहुँच सके। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य चुने ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो देखते रहिए फाइनिंग विदा से। थैंक यू।